हेलो फ्रेंड्स, प्रीवियस वीडियो लेक्चर्स में हमने वन डायमेंशनल एंड टू डायमेंशनल एरेज और उससे रिलेटेड जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रोग्राम्स हैं उसको डिस्कस किया। आज हम लोग एक नए टॉपिक पर हैं जिसका नाम है सर्चिंग। बेसिकली सर्चिंग और सॉर्टिंग दो टेक्निक्स हैं जो वन डायमेंशनल एरे के बहुत फेमस एप्लीकेशंस हैं, और ये दो टेक्निक्स ऐसी हैं जो आपकी प्रोग्रामिंग में, आपकी एल्गोरिथम्स में, कंप्यूटर साइंस के अंदर अक्सर यूज़ होने वाली एल्गोरिथम्स हैं या प्रोग्राम्स हैं। सर्चिंग का आप देख सकते हैं, सर्चिंग की प्रोसेस का मतलब क्या हुआ। सर्चिंग मतलब होता है कि कोई चीज़ सर्च करना, ठीक है। जैसे मान लीजिए आप कंप्यूटर्स में आपने सर्च फंक्शन यूज़ किया होगा, आप कोई भी वर्ड यूज़ करते हैं फाइल में और बताता है कि ये वर्ड प्रेजेंट है कि नहीं, ठीक है। तो ये क्या है, सर्चिंग प्रोसेस है। आप बुक में कोई चीज़ सर्च करना चाहते हैं तो आप देखते हैं ना कि वो एलिमेंट बुक के अंदर इंडेक्स कहाँ पर है, इस नाम से कोई वैल्यू है कि नहीं है। तो बेसिकली आप क्या करते हैं, एक आपको लिस्ट ऑफ एलिमेंट्स दिया गया है, ठीक है, और आप उसमें एक वैल्यू ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। तो इस तरह सर्चिंग के बहुत सारे एप्लीकेशन हैं, जगह जगह बीच बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स में, छोटे छोटे एग्जांपल्स में आपको सर्चिंग लगाने की आवश्यकता पड़ सकती है, ठीक है। कुछ रियल लाइफ एप्लीकेशन मैंने आपको बताया ही अभी। तो देखते हैं सर्चिंग की प्रोसेस को हम टेक्निकली कैसे डिफाइन करते हैं। तो आई कैन से सर्चिंग कैन बी डिफाइंड as the process of finding whether a given element, जिसको हम किससे represent कर रहे हैं, मान लीजिए val से, जो element है given element val is present in the given list of elements। तो हमको list of elements दिया गया, उसमें हमको find out करना है कि कोई particular element है कि नहीं जिसकी value val से हम represent कर रहे हैं, ठीक है। तो elements हो क्या सकता है, array के form में। list of element को हम कैसे represent कर सकते हैं, array form में, ठीक है। एक array ले लें तो उसमें भी list of elements ही हैं। so in the given list of elements or not, ठीक है। तो एक तरह से ये प्रोसेस क्या है, सर्चिंग कैन बी डिफाइंड एज द प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग वेदर अ गिवन एलिमेंट वैल इज प्रेजेंट इन द गिवन लिस्ट ऑफ एलिमेंट्स और नॉट। मतलब एक लिस्ट दी गई, उसमें ये एलिमेंट वैल्यू प्रेजेंट है या नहीं, ओके, ठीक है। बहुत छोटी सी और बहुत सटीक डेफिनेशन मैंने लिखी है, ठीक है। तो टाइप्स जो हैं सर्चिंग के, जो हमारे कंप्यूटर साइंस में हम बेसिकली पढ़ते हैं, दो टाइप्स की सर्चिंग हम पढ़ते हैं, वेल नोन है। आई है ये लीनियर सर्चिंग एंड बाइनरी सर्चिंग, ठीक है। सो लीनियर सर्चिंग एंड बाइनरी सर्चिंग, यही दो इंपॉर्टेंट टेक्निक्स हैं सर्चिंग की जो हमको पढ़नी है। तो सबसे पहले हम लीनियर सर्च पे आते हैं, लीनियर सर्च की वर्किंग देखते हैं, लीनियर सर्च कैसे काम करता है, ठीक है। सो लीनियर सर्च, ठीक है, लीनियर सर्च को बहुत शॉर्ट में अगर मैं समझना चाहूँ तो आई कैन से लीनियर का नाम ही है लीनियर, ठीक है। पहले सबसे एग्जांपल हम देखते हैं, एग्जांपल क्या कहता है। जैसे आपको ये एक एरे दे दिया गया, एरे दे दिया गया मींस मान लीजिए इसमें 6 एलिमेंट हैं, 5, 6, 8, 3, 2 एंड 7, ठीक है। 6 एलिमेंट्स का एरे है, जाहिर सी बात है 0, 1, 2, 3, 4, 5 तक जाएगा, 0 से लेकर 5 इंडेक्स तक जाएगा, ठीक है। ये एक एरे दिया है इंटीजर वैल्यूज का, राइट। आपको उसके साथ साथ एक वैल्यू भी दे दी गई, वैल इज इक्वल टू सपोज 8, जिसको आपको इस एरे में सर्च करना है। ये एरे भी दिया गया और एक वैल्यू भी दी गई, और प्रोग्राम के थ्रू आपको ये बताना है कि ये वैल्यू 8 इस एरे में प्रेजेंट है या नहीं। तो आपको दिख तो रहा है यहाँ पर है प्रेजेंट, तो आंसर जब हमारा प्रोग्राम रन करेगा आंसर हमारा येस आना चाहिए। लेकिन प्रोग्राम में ये काम कैसे करेगा, ठीक है। तो जैसा कि मैंने बताया, ये लीनियर सर्चिंग है, लीनियर का नाम ही है लीनियर। हम जीरो इंडेक्स से चालू करेंगे और देखेंगे क्या यहाँ पे ये वैल्यू है 8, नहीं है, मैच नहीं की, 5 है, तो आगे बढ़ेंगे। 1 इंडेक्स पे चेक करेंगे क्या यहाँ पर है, नहीं है, फिर आगे बढ़ेंगे क्या यहाँ पर है, हाँ है, ठीक है। जैसे ही मिल जाएगा तो ये इंडेक्स हम रिटर्न कर देंगे आंसर में कि हाँ वैल्यू जो हमारी है वो सेकेंड इंडेक्स पर प्रेजेंट है, एरे में सेकेंड इंडेक्स पर प्रेजेंट है, ओके।
और अगर मान लीजिए हमको कोई और वैल्यू सर्च करनी होती है, मान लीजिए हमको 16 सर्च करनी है या 15 या 10 सर्च करना है जो कि इस लिस्ट में नहीं प्रेजेंट है, तो हम 0, 1, 2, 3, 4, 5 हर इंडेक्स पे वैल्यूज़ को चेक करेंगे, कहीं पे भी वो मैचिंग मिलेगी नहीं, और जब मैचिंग मिलेगी नहीं तो हम सीधा डिस्प्ले कर देंगे आउटपुट आंसर में कि वैल्यू इज़ नॉट प्रेजेंट इन द लिस्ट या वैल्यू इज़ नॉट फाउंड। ठीक है, तो लीनियर सर्चिंग का नाम ही इस लीनियर सर्च इसलिए पड़ा क्योंकि हम जीरो इंडेक्स चालू करते हैं, लीनियरली हर एक एलिमेंट को चेक करते हैं ये एलिमेंट दी गई वैल्यू के बराबर है या नहीं, अगर कहीं मैच कर जाता है तो उसके करस्पॉन्डिंग इंडेक्स हम आउटपुट में डिस्प्ले कर देते हैं, अदरवाइज सिंपली कह देते हैं कि वैल्यू नहीं मिली। ठीक है, तो मेरे ख्याल से प्रोसेस आपको समझ में आ गई होगी, हम सीधा इसका लॉजिक डिज़ाइन करते हैं कि कैसे ये काम करेगा। ठीक है, तो देखिए कैसे लॉजिक ये काम करेगा, हमने यहाँ पे क्या चेक किया, सबसे पहले इस वैल्यू को किससे चेक किया, ज़ीरो से ना, तो हमने क्या चेक किया, इफ़ ए ज़ीरो इज इक्वल टू 8, यही तो चेक किया, क्या ए ज़ीरो जो है यहाँ पे जो वैल्यू है ये 8 के बराबर है, तो आंसर हमें क्या मिला, नो नहीं बराबर है, तो हमको नेक्स्ट वैल्यू चेक करनी पड़ी, तो देन हमको ये चेक करना पड़ा इफ़ फिर से, क्या ए वन जो है वो 8 के बराबर है, यहाँ भी आंसर हमको मिला ए वन जो है क्या 8 के बराबर है, नहीं 6 है, ठीक है फिर नो, तो देन फिर से हमें चेक करना पड़ा क्या ए टू जो है वो 8 के बराबर है, हाँ है, आंसर हमें मिला यस, यस मिला, तो हमको क्या रिटर्न करना है, वैल्यू आउटपुट में क्या होना चाहिए, रिटर्न इंडेक्स 2, यानी हम क्या लिखेंगे, वैल्यू जो है हमारी इंडेक्स 2 पे प्रेजेंट है। ठीक है, एक तरह से अगर मैं इस पूरे लॉजिक को कंबाइंड वे में लिखना चाहूँ जैसा कि मैं अभी तक करता आ रहा था, तो मैं क्या लिखूँगा, पूरा यहाँ से लेके यहाँ तक स्कैन करूँगा, यानी एक तरह से फॉर आई इज़ इक्वल टू 0, ठीक है, और आई कहाँ तक चलेगा, लेस देन इक्वल टू 5, आई प्लस प्लस तक चलेगा, और इसके अंदर हम बार बार क्या चेक करेंगे, पहले 0 को चेक कर रहे हैं, फिर 1 को, फिर 2 को, एक तरह से मैं क्या चेक कर रहा हूँ, इफ़ ए आई इक्वल टू वैल, यही तो चेक कर रहा हूँ, और बाकी नीचे और कंडीशंस होंगी, यही हो रहा है ना, तो बेसिकली मैं यही चीज़ सर्चिंग कर रहा हूँ, तो मैं इसी को प्रोग्राम के फॉर्मेट में लिखता हूँ और आपको दिखाता हूँ कि रिज़ल्ट क्या होगा। ठीक है, तो हम जल्दी से इसका प्रोग्राम समझ लेते हैं यहीं पर। ठीक है, सो सीधा मैं मेन फंक्शन लिख रहा हूँ, हैश इंक्लूड stdio, और मेन नहीं लिख वो नहीं लिख रहा हूँ conio.h, सीधा मैं void main लिख रहा हूँ, void main, और void main के अंदर मैं फंक्शन लिखना चाह रहा हूँ, क्या हो जाएगा, एक हमें एरे लेना पड़ेगा a, जो कि हम मान के चल रहे हैं 10 साइज़ का मैक्सिमम हम ले सकते हैं, इसके डायमेंशन की वैल्यू यूज़र से इनपुट करा लेंगे, तो हमने एक वेरिएबल n ले लिया डायमेंशन के लिए। ठीक है, आई एक वेरिएबल ले लिया जो लूप चलाने के काम आएगा, और एक वैल ले लिया जिसमें हमको टारगेट वैल्यू जो सर्च करनी है वो यूज़र से मांगेंगे। ठीक है, तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, प्रिंट एफ इंटर द साइज ऑफ एरे, यूज़र से साइज़ मांगी इनपुट, तो यूज़र ने जो भी इनपुट किया वो मैंने किस में इनपुट करा लिया, वेरिएबल एन में। ठीक है, अब हमारे एरे की साइज़ मिल गई, अब यूज़र से हमने सीधा एलिमेंट्स एंटर करा लिया, तो फॉर आई इज़ इक्वल टू 0, आई शुड लेस देन एन एंड आई प्लस प्लस, ठीक है, जो भी एन दिया उस हिसाब से हम एलिमेंट्स स्कैन कर लेंगे, स्कैन एफ, बाकी प्रिंट ऑफ मैसेज यहाँ पर आप दे दीजिएगा चाहें तो, कि एंटर द एलिमेंट्स वगैरह वगैरह, मैं डायरेक्ट कोड लिख रहा हूँ %d एड्रेस ऑफ AI। ठीक है, तो जैसे ही ये लूप चल जाएगा तो हमारा जो भी एलिमेंट है वो एरे का इंटर हो जाएगा, फिर हमें क्या करना है, प्रिंट एफ वैल्यू को इनपुट कराना है, इस वैल को जिसको सर्च करना है, एंटर द वैल्यू टू बी सर्च्ड, हमने यूज़र को क्या मैसेज दिया, वो वैल्यू इनपुट करिए जिसको सर्च करना है, जो भी यूज़र इनपुट करेगा उसको स्कैनअप फंक्शन का यूज़ करके रीड कर लिया, %d एंड एड्रेस ऑफ वैल। ठीक है, तो जैसे ही एड्रेस ऑफ वैल हमने यहाँ लिखा, तो जो भी वैल्यू यूज़र इनपुट करेगा, टारगेट वैल्यू जिसको सर्च करना है, वो यहाँ पर आ जाएगी। अब हमारे पास एरे भी मिल गया और वो वैल्यू भी मिल गई, यानी लिस्ट भी मिल गई और वो वैल्यू मिल गई जिसको इस लिस्ट में सर्च करना है, तो अब हम लॉजिक लिखते हैं सर्च करने का, लॉजिक टू सर्च यूजिंग लीनियर सर्च मेथड। ठीक है, तो एलिमेंट को सर्च कर रहे हैं यूजिंग लीनियर सर्च टेक्निक,
ठीक है। तो लीनियर सर्च में क्या करते हैं, जीरो से लेकर पूरा एन तक चले। सो फॉर आई इज इक्वल टू जीरो आई शुड लेस देन एन, एन की वैल्यू है सिक्स तो जाएगा फाइव तक, एक कम आई प्लस प्लस, ठीक है। और इस लूप के अंदर हमें चेक क्या करना है भाई, ये वाली बात। सो इफ ए आई इक्वल टू वैल और नॉट, ठीक है। अगर ये कंडीशन ट्रू है तो यानी हमें वैल्यू मिल गई उस जगह पर, तो वो इंडेक्स हमको रिटर्न करना है। वो इंडेक्स क्या होगा, जो भी आई की वैल्यू, यानी आई हम रिटर्न कर दें। सो प्रिंट एफ वैल्यू प्रेजेंट एट इंडेक्स परसेंट डी, और परसेंट डी यहाँ पे हम कॉमा आई की वैल्यू डिस्प्ले करा लेते हैं, ठीक है। सो वैल्यू प्रेजेंट एट इंडेक्स आई की जो भी वैल्यू होगी वो यहाँ पे डिस्प्ले हो गई, ठीक है। सो ये हो गया आपका, ये हो गया आपका वैल्यू डिस्प्ले कराना। और इसके बाद हम क्या करेंगे, अब उसके आगे सर्च करने की आवश्यकता तो है नहीं, एलिमेंट मिल गया तो ब्रेक कर जाएंगे, तो इस लूप से हम एक तरीके से बाहर आ जाएंगे, ठीक है। लेकिन ये तो बात हुई कि जब एलिमेंट हमारा इस एरे में प्रेजेंट है, लेकिन अगर मान लीजिए एलिमेंट एरे में प्रेजेंट, सपोज़ हमको यहाँ पे हम 8 की जगह 10 ले लेते, तो 10 तो यहाँ प्रेजेंट नहीं होता। सो जब चूंकि 10 नहीं प्रेजेंट होता तो उस केस में होता क्या, 0 चेक करते, 1 चेक करते, 2 चेक करते, 3 चेक करते, 4 चेक करते, 5, और लास्ट में आई की वैल्यू 6 हो जाती। आई की वैल्यू क्या हो जाती, 6 हो जाती। जब आई की वैल्यू यहाँ 6 हो जाती तो ये लूप की वैल्यू फेल कर जाती, क्योंकि एन की वैल्यू क्या है, 6, यूज़र ने क्या इनपुट किया था, 6, तो ये 6 इज़ नॉट लेस देन 6, ये कंडीशन फेल कर जाती। तो बाहर निकलने के बाद हम चेक कर लें क्या आई की वैल्यू 6 तक पहुँच गई है, यानी एन तक पहुँच गई है। अगर एन तक पहुँच गई है इसका मतलब एलिमेंट कहीं नहीं मिला, अगर मिला होता तो उससे पहले ही ब्रेक हो गया होता, आई की वैल्यू एन तक नहीं पहुंचती। तो ये लॉजिक का हम इसमें प्रयोग करेंगे, और सीधा यहाँ पर हम फिर से एक बार चेकिंग कर लेते हैं। इफ़ आई इक्वल टू एन अगर है तो हम सीधा मैसेज करा दें प्रिंट एफ क्या एलिमेंट नॉट प्रेजेंट इन द लिस्ट। क्या मैसेज प्रिंट कराया, एलिमेंट जो है वो लिस्ट में नहीं है, ठीक है। और इसके बाद हमारा कार्य ख़त्म, गेट सी एच, गेट सी एच लगा के मेन फंक्शन, गेट सी एच लगा के हम मेन फंक्शन क्लोज कर देंगे, ठीक है। मेन एंड, ठीक है, मेन फंक्शन हमारा एंडिंग, ओके। मेन फंक्शन यहाँ पे हमारा गेट सी एच के बाद क्लोज हो गया। सो ये आपका लॉजिक था लीनियर सर्च का, आई होप कि आपको क्लियर होगा। सो इन नेक्स्ट लेक्चर वी विल मीट विद द नेक्स्ट सर्चिंग टेक्निक विच इज़ बाइनरी सर्च। दिस इज़ ऑल फॉर टुडे, थैंक यू वेरी मच।